हमारे मुल्क के बहुत बड़ा नाम है, हम उनसे बड़ा प्यार करते हैं, हमारे पुरानी दोस्तियों में शामिल हैं। और आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा, बहुत ड्रामों में देखा होगा, बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आपकी खिदमत में आए हैं गुलाम मोहिउद्दीन, वो कुछ आपसे गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मैं जो भी बात करूंगा सच्ची बात करूंगा, और हमेशा ही सच्ची बात करनी चाहिए। वैसे भी ये रमजान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों का महीना है, निजात का महीना है। मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में इस तरह भी कभी कुछ हो सकता है कि चंद दोस्त मिलके, चंद इंसान मिलके एक जेडीसी फाउंडेशन बनाएंगे और अपने हम वतनों की, अपने हम शहरे लोगों की इस तरह से खिदमत करेंगे। और ये जफर अब्बास साहब, जरा प्लीज तशरीफ लाइए, ये जितनी अजीम शख्सियत है और जितना ये काम कर रहे हैं, मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो ये काम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं, और अल्लाह इनको जजा देगा इसकी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुकूक को लिबास और खिदमत खल्क, एक इंसान ने अगर किसी एक इंसान की भी खिदमत की, उसका ख्याल रखा, उसको पानी पिला दिया, उसको रोटी खिला दिया, तो ये पूरी इंसानियत की खिदमत है। तो इनके लिए दुआ करें, जेडीसी फाउंडेशन के लिए दुआ करें, अल्लाह इनको और तरक्की दे और कामयाबी दे। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, जेडीसी फाउंडेशन को, जफर भाई को, और तमाम इनकी जो इंतजामिया है सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। और आप लोगों के लिए दुआ वो हूं कि आप लोग इसी तरह यहां पे आइंदा भी आते रहें, और जेडीसी फाउंडेशन और जफर भाई के लिए मैं दुआ हूं, अल्लाह आपको और हिम्मत दे, और इसको जितना आप बड़ा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो जफर भाई जो है, इनकी जो खिदमात है, ये इन्होंने तारीख मुरतब की है, आने वाली नस्लें जो होंगी, जो इनके जहन की होंगी, इनके सोच की होंगी, यकीनन इनको फॉलो करेंगे। ये जहर आपके जाता है जफर भाई, और अल्लाह आपको कामयाबी देगा, अल्लाह इसकी जजा देगा। आपने बहुत बड़ी मिसाल कायम की, आपकी बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया।